लिए लाती हूँ बॉलीवुड से जुड़ी चटपटी और जूसी गॉसिप्स। आज हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे ये सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज भी हम सबसे पहले वहीं जाएंगे जहां हम कल गए थे। आपको याद है ना हम कल कहाँ गए थे? सबसे पहले कहाँ गए थे? ऑफ कोर्स वहीं जहां देसी गर्ल के घर गए थे हम। तो आज भी वहीं जाने का प्लान है हमारा। तो चलिए हमारे साथ और देखते हैं आखिर देसी गर्ल की एंगेजमेंट पार्टी से जुड़ी क्या कुछ खास बातें हैं। प्रियंका को मिसेस बनने की पहली सीढ़ी चढ़ते देखने के लिए बहुत से सेलिब्रिटीज पहुंचे बन ठन के। संजय लीला भंसाली से लेकर अंबानी की फैमिली तक सभी का जलवा देखने लायक रहा। हर सेलिब्रिटी का रहा एक अलग अंदाज, कोई टी शर्ट में हो या जीन्स में। कोई साड़ी में हो या शॉर्ट्स में। सभी रहे फुल टशन में। अंबानी फैमिली भी रही पार्टी की जान और प्रियंका की एंगेजमेंट की रौनक बढ़ाई। आयुष शर्मा का दिखा कूल अंदाज, आलिया भट्ट, अर्पिता, परिणीति चोपड़ा के हॉट अंदाज ने भी खूब बिजलियां गिराई। प्रियंका की मॉम मधु चोपड़ा का भारतीय नारी लुक रहा, जिस पर उनका खुश मिजाजी अंदाज बहुत सूट किया। फ्लावर्स, मिठाइयां और बड़े बड़े गिफ्ट्स के साथ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने पार्टी को खूब एंजॉय किया और प्रियंका की खुशी में शामिल हुए। खाने पीने के शाही इंतजामात ने दावत जश्न का ऐलान किया और बड़ी बड़ी हस्तियों ने पार्टी में पहुंचकर एक नहीं बल्कि हजारों चांद लगाए। अब इतनी तैयारियां, इतनी मसरूफियत जो आप प्रियंका के वहां देख रहे हैं और एंगेजमेंट वाली फीलिंग ले रहे हैं, क्या वो सचमुच एंगेजमेंट पार्टी है या नहीं? अब देखिए इंतजामों और तैयारियों से तो यही लग रहा है, लेकिन प्रियंका के पंडित जी के हिसाब से ये सिर्फ पूजा थी। सिर्फ पूजा मतलब सिर्फ पूजा, एंगेजमेंट का उनको कुछ नहीं पता। एंगेजमेंट सगाई हो गई है? ये तो हम लोग नहीं, हम तो पूजा पाठ में थे, लेकिन आप लोग जैसे, हाँ हम लोगों ने पूजा पाठ, गणपति जी की पूजा थी और दोनों लोग बैठे थे, बस इतना ही था। और सगाई वगैरह क्या हुआ ये हम लोग नहीं, हम लोग तो पूजा पाठ कर रहे थे। सुना आपने, ये सब सिर्फ पूजा थी, ऐसा पंडित जी का कहना है, हमारा नहीं। लेकिन पंडित जी, अब कथा और पूजा में भला ये बड़े बड़े गिफ्ट, ये भर भर के मिठाइयाँ कौन लेकर जाता है, जरा बताइए तो। छुपन छुपाई नहीं चलने वाली, अब तो सब साफ है और ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है।
क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे असूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। हाँ, लेकिन अगर आपके जैसे छुपाने वाले हों तो सच्चाई छुप भी सकती है अगर आपस में मेल हो और खुशबू आ भी सकती है अगर कागज में तेल हो। जी पंडित जी, एंटरटेनमेंट डेस्क, जनतंत्र टीवी। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड स्टोरी की तरफ, जहां पर क्लिक क्लिक फोटो सेशन चल रहा है भाई, और वो भी बहुत खूबसूरत अंदाज में। आप जानते हैं किसका? अरे आप कैसे जानेंगे, हमने बताया ही नहीं और बताएंगे भी नहीं हम, क्योंकि हम स्टोरीज बताते कम हैं और दिखाते ज्यादा हैं। यहां देखिए, ब्यूटीफुल गर्ल विद ब्यूटीफुल ज्वेलरी, ब्यूटीफुल ब्राइड विद ऑसम ड्रेस एंड मेकअप। Do you know who is she? She is Ashka Gaudia. यहाँ चल रहा है एक्सक्लूसिव फोटोशूट। यानी ओराज फलक कलेक्शन ब्राइडल फोटोशूट। खूबसूरत ड्रेस के साथ डायमंड ज्वेलरी आशिका पर बहुत सूट कर रही है। यानी तन सूट नहीं, डायमंड सूट करता है सोनियो। इस फोटोशूट के जरिए यह दिखाया जा रहा है कि दुल्हन को कौन से लुक, कौन सी ड्रेस, कौन सी ज्वेलरी और भी ज्यादा खूबसूरत बना सकती है। फलक कलेक्शन के प्रमोशन एंड फोटोशूट के लिए स्पेशल आशिका को चूज किया गया, क्योंकि मिस्टर विजय का कहना है कि आशिका पहले भी ऑरा ब्राइट रह चुकी हैं। एक सबसे बड़ी फलक का मतलब है स्टार्स, और हमारी बहुत ही ये खुद किस्मत है कि हम आशिका जी के साथ ये शूट कर रहे हैं। अगर आप देखिए तो इसमें इट इज़ अबाउट स्टार्स, इट इज़ अबाउट बर्स्ट ऑफ डायमंड्स, एंड आजकल की जो ब्राइड्स हैं, आई थिंक आशिका रिप्रेजेंट्स दैट ब्राइट, एंड शी इज़ यंग, शी इज़ फन, शी वॉन्ट्स टू हैव फन एट अ वेडिंग। तो जो पहले जो शाई ब्राइड्स थे वो अभी नहीं है, और जितनी भी ज्वेलरी हमने बनाई है उसी हिसाब से बनाई है। एंड शायद आपको मालूम होगा कि आशिका जी ऑरा ब्राइड रह चुकी हैं। हाँ जी। सो इट वाज अ ब्यूटीफुल वेडिंग, एंड आई टोल्ड आशिका कि जब हम अपना लॉन्च करेंगे तो वी विल डेफिनेटली डू इट विद आशिका, एंड आई थिंक वीव केप्ट इन माइंड व्हेन वी डन दिस एंटायर कलेक्शन। So she's the best for this collection. Yes, of course, this is true. Ashka aura bright reh chuki hain, jiski wajah se specially unko is jewelry ke liye, is dress ke liye, is photo shoot ke liye choose kiya gaya hai. आशिका ने भी अपना बेस्ट दिया है। सिर्फ व्हाइट ड्रेस में ही नहीं बल्कि रेड ड्रेस में भी आशिका का शूट हुआ, जिसमें डिफरेंट स्टाइल एंड पोजेस के साथ ऑरा को दिया एक डिफरेंट लुक एंड ब्यूटीफुल लुक। इस फोटोशूट के लिए आशिका भी बहुत एक्साइटेड रही हैं, क्योंकि और लड़कियों की तरह शी ऑल्सो लव द डायमंड ज्वेलरी। मुझे अच्छा लगता है कि जब मुझे कोई डायमंड से लत देता है जैसे विजय जी, तो ये ऐसे शूट होते रहे महीने में, हर बार इनके कवर पे मैं आती रहूं, इनकी ब्रांड एंडोर्समेंट्स मैं करती रहूं, इनके जवेरात मैं पहनती रहूं, बस।
वैसे ये कोई नई बात नहीं है कि आशिका को ज्वेलरी बहुत पसंद है। क्योंकि मोस्टली गर्ल्स को शॉपिंग, ज्वेलरी, सजना सवरना वैसे ही बहुत पसंद होता है। So this is normal. आशिका ने फोटो शूट किया और केरल की हेल्प के लिए भी एक मैसेज दिया। मैं ये सभी नेटवर्क के दर्शकों से ये दरख्वास्त करती हूँ कि आपसे जो हो सके, आपकी जितनी क्षमता हो, आप जो करना चाहें केरला के पीड़ितों के लिए करें। आई थिंक ये एक ऐसा समय है जो इंसानों के हाथ में नहीं है। सो आई रियली रिक्वेस्ट के मुझसे जो हो सकता है मैं करूँगी, आपसे जो हो सकता है आप कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपनी फैमिली को बताइए, जिनसे मदद ले सके उनसे ले। एंटरटेनमेंट डेस्क, जनतंत्र टीवी। चलिए आप एक्सक्लूसिव सेल्फी देखिए जिसपे ये लाइन सूट करती है, ये वाली लाइन, सेल्फी मैंने ले ली आज, सेल्फी मैंने ले ली आज। देखिए डिंग 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 डिंग, इनको यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ कहाँ कहाँ घूम रहे हैं गुरमीत सिंह। जानते हो ना आप इनको, पलटन में भी आने वाले हैं। गली गली में घूमकर स्टाइल वाले पोज देकर फोटो खिंचवा रहे हैं। यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, बच्चे भी हैं, यहाँ तो बहुत सारी भीड़ है। भीड़ में मुझे बहुत डर लगता है, क्या आपको भी लगता है? यहाँ पे सब लोग सेल्फी मैंने ले ली आज की तरह क्यों कर रहे हैं? क्या मुझे कोई बताएगा? अरे रे 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 रे, ये सब क्या हो रहा है? गुरमीत सिंह सबकी फोटो क्यों खींच रहे हैं? यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? क्या कोई बता सकता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? हाँ हाँ, हम सब कुछ बता सकते हैं। अगर तुम जानना चाहते हो तो सुनो, यहाँ पर सेलिब्रेशन चल रहा है। गुरमीत सिंह ने